सिचुएशन नहीं होगा। आपने ये बोला साइड बंद है आज, व्यक्ति को फटकार लगाती दिख रही ये महिला कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल कानपुर देहात के करोंसा गांव के रहने वाले किसान चंद्रशेखर अपने बाजरे की बिक्री के लिए अकबरपुर के खरीद उपकेंद्र पहुंचे थे। यहां उन्होंने केंद्र प्रभारी नवदीप को रजिस्ट्रेशन को कहा था, लेकिन किसान चंद्रशेखर का आरोप है कि प्रभारी ने रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया था। पीड़ित किसान मायूस होकर डीएम नेहा जैन की चौखट पर न्याय की गुहार लगाने पहुंच गया। किसान की पीड़ा सुनकर डीएम नेहा जैन का पारा हाई हो गया। डीएम पीड़ित किसान को लेकर सीधा खरीद उपकेंद्र पहुंची और केंद्र प्रभारी को जमकर सुनाया। आप भी देखिए। उनको क्या लगा कि साइट बंद हो गई, अब जितने किसानों का हो गया रजिस्ट्रेशन उन्हीं का ही बिक्री होगी। अब कहा उन्होंने चाहे जो, बाबा आपने समझा ये ना, है ना, तो आपने यही समझा। अब ये गांव में कोई इनसे पूछेगा, कोई बाजरा का तुम गए थे मंडी, ये तो चलो करोसा के कोई दूर के गाँव से होते। सूबे की योगी सरकार किसी प्रकार की किसानों के साथ लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती ना चाहती है, जिसका जीता जाता उदाहरण कानपुर देहात में देखने को मिला है। दरअसल कानपुर देहात की जिलाधिकारी नेहा जैन का पारा उस वक्त हाई हो गया जब एक किसान को अनाज खरीद उपकेंद्र पर भगा दिया गया। उसका रजिस्ट्रेशन करने से उपकेंद्र के प्रभारी ने मना कर दिया, जिसके बाद परेशान होकर किसान जिलाधिकारी की चौखट पर न्याय की गुहार लगाने पहुँचा। जिलाधिकारी ने जब किसान की समस्या सुनी, समस्या सुनने के बाद जिलाधिकारी नेहा जैन किसान को अपने साथ लेकर सीधा उपकेंद्र पहुंची और प्रभारी को हरी कोटी सुनाई। वो कहते हैं ना, कोई भी अधिकारी चाहे तो सरकार की छवि धूमिल कर ले, चाहे तो सरकार की छवि बना ले, लेकिन जिलाधिकारी नेहा जैन का इस तरह का जो रवैया है, इससे कहीं ना कहीं कानपुर देहात की जनता के मन में योगी सरकार के लिए एक भरोसा उत्पन्न हो रहा है। कैमरा पर्सन संजू के साथ प्रांजुल मिश्रा, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।